बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 केमिकल प्रॉपर्टीज़। बच्चों, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं ना, उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पर 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। इधर दे आर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स। तो आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा व्हाट आर मेटल्स, कि मेटल्स क्या होती हैं। मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड फॉर्म कैटाइंस बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। बच्चे, जो मेटल्स हैं ना, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी नेचर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का ये मीनिंग है दे हैव द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, कि इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर देती हैं, लॉस कर देती हैं। डेफिनेटली जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा दे गेन पॉजिटिव चार्ज, और उनके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। तो बच्चों, इस डेफिनेशन में हमने तीन चीज़ें सीखी हैं। नंबर वन, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। सेकेंड वन, दे लॉस इलेक्ट्रॉन ईजिली। एंड थर्ड वन, एंड फॉर्म केटाइंस। केटाइंस एज यू नो पॉजिटिव आइंस को कहते हैं। मेटल्स कैन बी कैटेगराइज। बच्चों, मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी की बेस पर हमने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। वेरी रिएक्टिव मेटल्स, बच्चों वेरी रिएक्टिव मेटल्स में आती हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में बच्चों आती हैं जिंक, आयरन, टिन एंड लेड। और थर्ड कैटेगरी है लीस्ट रिएक्टिव मेटल, या फिर बच्चों इनको नोबल मेटल्स भी कहती हैं। इनमें आते हैं कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो बच्चों, अब हम मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी एज यू नो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं विच आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, लाइक हार्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस, कलर ऑफ अ सब्सटेंस, शेप ऑफ द सब्सटेंस, फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर, कि उसमें जो मैटर की स्टेट है वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। ओके, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स। जो जितनी भी मेटल्स हैं ना, ये मोस्टली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, विद वन एक्सेप्शन। सिर्फ बच्चों एक मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, वो है मर्करी। मर्करी के अलावा बाकी जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी की सारी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, लाइक गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, ये सारी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बच्चे, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ना, वो काफ़ी हाई होते हैं। जैसे बच्चों, फॉर एग्जांपल, गोल्ड जो है ना मेटल है, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो है 1064 डिग्री सेल्सियस, और बच्चों उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो है 2970 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कितने हाई हो। लेकिन बच्चों, जो एल्कली मेटल्स हैं ना, एल्कली मेटल बच्चों कहते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को, जिसमें लिथियम आती है, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये एल्कली मेटल जो है ना, इनके जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं ना बच्चों, वो लो होते हैं। दे पोजेस मेटेलिक लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड। बच्चों, लस्टर कहते हैं शाइन को। अब जितनी भी मेटल्स हैं ना बच्चों, वो शाइनी सरफेस होती है उनकी। क्यों? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन से उनमें शाइनिंग करेक्टर आ जाता है, एंड कैन बी पॉलिश्ड। और मेटल्स को पॉलिश किया जा सकता है। दे आर मेलिएबल। अब बच्चों, मेलिएबल का ये मीनिंग है कि इनको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। तो बच्चों, मेलिएबिलिटी कहते हैं, मेलिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस by virtue of which it can be converted into a flat sheet. तो आपने अक्सर सुना हुआ एल्यूमिनियम की शीट्स, ठीक है। अब एल्यूमिनियम जो है ना, वो भी बच्चे एक मेटल है। जब आप उसको हैमर्ड करोगे ना, तो हैमर से इट कैन बी ड्रॉन इन टू शीट्स, मतलब उसकी क्या बन सकती है, शीट बनाई जा सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का बच्चों मीनिंग होता है कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स, कि आप इनकी वायर्स भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कॉपर वायर्स सुनी होगी। एंड गिव ऑफ अ टोन व्हेन हीट। तो बच्चों, जब आप मेटल्स को हीट करें ना, तो उनसे टोन मतलब साउंड प्रोड्यूस होगा।
दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जितनी भी मेटल्स हैं ना बच्चों, वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स हैं। इट मीन्स कि उनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ईजिली पास हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे हैव हाई डेंसिटीज। अब बच्चों जो मेटल्स होना इनकी डेंसिटीज हाई होती हैं। और लास्ट है दे आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। अब बच्चों जितनी भी मेटल्स हैं ना ये हार्ड होती हैं एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम की। अब सोडियम जो है ना वो सॉफ्ट मेटल है, आप इसको कट भी कर सकते हैं नाइफ के साथ।